कबूतरों के मेरे सारे शौकी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल दाब भाइयों। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि वीडियो किस विषय में है और कौन सी पार्टी के साथ आज जोगिंदर पार्टी की जो शर्त है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आज बिरजू पार्टी और जोगिंदर पार्टी के बीच ये शर्त है और आज दिन 1/1/2020 है। और भाइयों जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे भाई हैं तो सबको यार मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। और ये कबूतरों का शौक आप बहुत प्यार से ऐसे ही करते रहें। तो भाइयों आप स्क्रीन आप देख रहे होंगे, कबूतरों की गिनती वगैरह तो हो गई थी, अब ये दिशा वगैरह का डिसाइड किया जा रहा है किस दिशा में कबूतर जाएंगे, किस दिशा के कबूतर आएंगे। और आपको मैं बताता चलूं कि जो ये कबूतर के जो ये कबूतरबाजी की शर्त होती है, जो इनकी जो मतलब क्या नियम होते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके ये नियम होते हैं कि मतलब आज जो शर्त हो रही है तो ये 22 कबूतरों की शर्त हो रही है। और ये 22 कबूतर जिस जो दिशा डिसाइड की है, जो मुनसब है, मुनसब भैया जो अंपायर होते हैं उन्हें हम पंजाब में मुनसब कहते हैं, शायद आप कहीं कुछ और कहते होंगे। तो 22 कबूतरों के भैया ये शर्त है, कबूतर जिस दिशा में जाएंगे उसी दिशा के कबूतर वापस आएंगे और जितने कबूतर जाएंगे उतने कबूतर वापस आएंगे। एक ही कबूतर अगर आगे पीछे होता है तो वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। और भाइयों एक चीज़ बताता चलूँ कि 5 मिनट अगर कबूतर कहीं गायब रहते हैं, दूर चले जाते हैं, उसके बाद जो भी 1-2 मिनट होगा वो काउंट किया जाएगा। अगर कबूतर 2 या 4 मिनट में वापस आ जाते हैं तो वो 0 मिनट माना जाएगा। तो आपको समझ आ गई होंगी। तो क्या ये इंट्रक्शन वगैरह जो दे रखी है तो ये इनके ये नियम होते हैं। और हमारे पंटी साहब जी जिन्हें आप जानते हैं जो भी निर्णय डिसाइड किया कर रहे हैं, अब देखते हैं भाई कबूतर छोड़े जाएंगे। और मैं फिर से कहता चलूँ कि नए साल की यार जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे भाई हैं यार बड़े भाई, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई है यार। आप देख सकते हो छत बहुत खूबसूरत है। जो हमारे शौकी भाई जो आए हुए हैं आप देख सकते देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सब बहुत प्यारे बहुत अच्छे हैं भाई। और ये प्यार का खेल है, बहुत प्यार से खेला जाएगा। छत देख सकते हैं और खड्डे वगैरह देख सकते हो, ये बहुत छोड़ दिया है भाई आसमान में। कबूतर बाहर निकलने से तो यही लग रहा है कि ये कबूतर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और जिस तरीके से कबूतर बाहर आए हैं और मैं दिखाता हूँ उनकी उड़ान, तो देख सक रहे हो गए। आपको मैं कोशिश करता रहता हूँ भाइयों यार आपको मैं कबूतर दिखा सकूँ, ज़्यादा दूर होने की वजह से नहीं दिखा सकता, तो उसके लिए यार सॉरी, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है इतनी दूर से कबूतर दिखाना मुश्किल हो जाता है। और जिस तरीके से ये कबूतर निकले और उड़ान भर रहे हैं तो इससे ये पता लग रहा है कि बिरजू पार्टी के जो मतलब खुराक दाना पानी जो खेल है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस हिसाब से कबूतर निकले हैं और हवा को पकड़ रहे हैं। ओके, हम देखते हैं कबूतर अब क्या करेंगे। करता हूँ तो यहाँ कलर सा जाता है, बाकी ये देखो यहाँ तारे वगैरह टावर बिजली के खंभे से ज़्यादा हैं, उस वजह से भी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं उड़ने में यार, थोड़ा सा ये लगता है थोड़ा सा तकलीफ होती होगी। और सुना भी गया है कि इन तारों तूरों में कबूतर कई बार टकरा जाते हैं और इस वजह से कुछ कबूतर मर भी चुके हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। ध्यान से माने होते हैं भाई,
देख सकते हैं कबूतर बहुत खूबसूरती से जा रहे हैं भाई, बहुत अच्छा झुंड बन के जा रहे हैं का। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं वीडियो पॉज करके आपको दिखाता रहूँगा कि आपका ज़्यादा समय ना ले सकूँ और कम समय में आपको मैं पूरी वीडियो दिखा दूँ। हाँ जी हाँ जी टाइम टाइम लग चुका है। भाई वो आपको ये चीज बताता चलूँ, अगर ये कोई शोर शराबा हो रहा है ये सिर्फ एक प्यार की नोकझोंक है और कुछ नहीं। और तुम्हें पता ही होता है भाई जो ये खेल का मैदान है इसमें फिर हर खिलाड़ी अपना अपना पक्ष रखता है, तो ये वही पक्ष है बस एक प्यार का खेल। हाँ जी भाई मैं आपको बताता चलूँ कबूतर वापस आ गए थे और कबूतर दोबारा से लगाए जा रहे हैं। एक से डेढ़ मिनट कबूतरों ने मारा था और कबूतर टिक चुके हैं और दोबारा वहीं से मुड़े जा रहे हैं। हाँ जी भैया कबूतर एक से डेढ़ मिनट के बीच में वापस आए और वहीं से कबूतर अब थोड़ी दूर वापस आए थे छत तक, वापस मोड़ दिए गए हैं और दोबारा से टाइम लग चुका है। बंटी भाई कितने मिनट हो गए? चौथा जा रहा हाँ जी भैया, जैसा कि बंटी उस्ताद जी ने बताया कि तीन मिनट हो चुके हैं और चौथा मिनट चल रहा है। और मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ, ये नीचे देख सकते हो हमारे शौकी भाई जो उस खेल का मज़ा ले रहे हैं। साढ़े चार मिनट हो चुके हैं और साढ़े चार मिनट में कबूतर दोबारा दिख गए हैं। तो मैंने आपको पहले ही रूल बताया था कि अगर पाँच मिनट के ऊपर अगर ये छः मिनट करते हैं तो एक मिनट गिना जाएगा, पाँच मिनट के बाद टाइम शुरू होगा। तो कबूतर दिख चुके हैं और साढ़े चार मिनट को अब ये जीरो मिनट माना जाएगा। अब दोबारा से कबूतर दिखा के अब दौड़ाए जाएंगे। अब देखते हैं, पहला एक से डेढ़ मिनट की पट्टी थी और दूसरी पट्टी थी साढ़े चार मिनट की और अब देखते हैं कबूतर क्या करते हैं। हाँ जी जी शौकी भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक कर दो और अगर वीडियो पूरी हो जाएगी तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना यार, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और भाई आप किया बंटी भाई का एक स्पोर्ट है बस पाँच मिनट का टाइम है। जैसा कि बंटी साहब जी ने बता दिया है कि इसके बाद टाइम है और मैं आपको ये चीज़ और पता चलूँ कबूतर गए थे और गलत दिशा में जा रहे हैं और भाई कबूतर टूट गए, आधे कबूतर टूट गए, आगे निकल चुके हैं और आधे वापस आ गए। पता चलूँ वो तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वीडियो पॉज करके दिखाता रहता हूँ। तो भाइयों जो ये टाइम था
पहले 1.5 मिनट, फिर 4.5 मिनट की पट्टी, और इसके बाद कबूतरों को थोड़ा सा गलत दिशा में ही घूम गए। हाँ, ये हमारे जो बिरजू पार्टी के जो खुदा इनकी शर्त है, ये ओनर इनके, और वही कबूतर टूट के आ चुके हैं। और जो ये ओनर है, इनका डिसीजन ये है कि कबूतर अब पूरे इकट्ठे करके सारे के सारे कबूतर बंद कर दिए जाएंगे, कि एक घंटे से पहले पहले, ये जो आपको मैंने बताई थी, ये शर्त का रूल जो होता है, एक घंटे के बीच बीच कबूतर बंद करने भी होते हैं। तो अब कबूतर टूटने शुरू हो गए हैं, तो इनका मतलब ये है कि कबूतर अब टाइम नहीं इतना मारेंगे, तो ये पहली और दूसरी पट्टी में जो करते हैं वैसे उसमें कर जाते हैं। बाकी भाई खेल की बात है, दाने पानी की बात है। तो आपको मैं बता दूं कि 13 कबूतर आ गए हैं और 9 कबूतर भाइयों नहीं आए। तो ऐसा हो जाता है भाइयों, अगर कबूतरों को आग वगैरह जो डाली जाती है, कोई कबूतर तो गर्म हो जाते हैं, कोई स्पीड ज़्यादा पड़ लेते हैं, कई बेचारे स्लो हो जाते हैं, उनको शायद नहीं ऐसा कुछ होता। अब ये कबूतरों ने अपना काम तो किया, फिर घर पे आ गए, पर जो दूसरे थे इनमें से 9 कबूतर वो कहीं आगे निकल चुके हैं। तो अब भला इसी में है ये जो में बंद कर रहे हैं ओनर है, ये कबूतरों के यही देख रेख करते हैं, और इन्हें समझ आ गया कि अब कबूतर टाइम नहीं मारेंगे, कि एक घंटे का समय पूरा ना हो और उससे पहले पहले ये अपने कबूतर 22 के 22 कबूतर बंद करके दिखा दें उन सब की भी मेरा 0 टाइम है, और फिर दूसरी छत के कबूतर खोले जाएंगे। और दूसरी छत के कबूतर भी अगर 5 मिनट के बाद मतलब ऊपर टाइम करते हैं तो युविंदर पार्टी जीतेगी, नहीं तो ये ड्रॉ हो जाएगा मैच। हाँ जी भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 2 या 4 मिनट का समय रह गया है, और कबूतर सारे के सारे लगभग आ गए हैं। बाकी भाई अंदर करके पता लग गया है कबूतर पूरे आ चुके हैं या नहीं आ चुके। जो ओनर भाई थे वो गए थे कहीं, कबूतर की लड़ाइयाँ वगैरह हो गई थी और वहाँ से निकालने गए थे। और ऐसे हर कबूतरबाज को बताया जाता है कि इस दिन कि कोई कबूतर ना खोले भाई, जो समय रखा होता है कि उस बीच की कहीं कबूतर की लड़ाइयाँ हो जाए, कबूतर रुक जाए। तो और फिर भी किसी ने खोले, पता नहीं कौन था, ये नहीं पता, बहुत शायद ज़्यादा ही दूर थे। बाकी भाई लगभग कबूतर आ चुके हैं, कबूतर अंदर करे जा रहे हैं। और भाई बता दूँ कि 1-2 मिनट का समय रह गया है, और आपको भी किसी ने बता देंगे कि क्या होता है। और भाई 99% तो जो जीत जोगिंदर पार्टी के हक में आ गई है, और जोगिंदर पार्टी अगर ये इस 2 मिनट के बीच सारे बंद हो जाते हैं, अगर काउंटिंग होती है कि ये 22 कबूतर पूरे हैं, 22 कबूतर, तो फिर दूसरी पार्टी कबूतर खोले जाएंगे, नहीं तो अगर कबूतर कम होते हैं या पूरे टाइम पे बंद नहीं होते तो ये पार्टी हार जाएगी, बिरजू पार्टी, और जोगिंदर पार्टी जीत जाएगी। और भाई वो जो बताता चलूँ, टाइम पूरा होता जा रहा है, एक दो कबूतर तंग ज्यादा कर रहे हैं, बंद नहीं हो रहे। और बिरजू पार्टी को की हार का कारण भी यही कबूतर बनेंगे भाइयों। हाँ जी भाइयों, मैं आपको बताता चलूँगा, टाइम पूरा होगा, कबूतर बंद नहीं हुआ अभी तक। और बाकी हम बंटी साजी से पूछते हैं। हाँ जी बंटी भाई, किड़ी से हो या फिर जीत गए पर जोगिंदर पार्टी जी चुकी है, और अब हम जोगिंदर पार्टी की छत पर चलेंगे और वहां पर देखेंगे कैसा माहौल है। हाँ जी भाई, हम जोगिंदर पार्टी की छत पर आ गए हैं और देख सकते हैं ये मुंह मीठा किया जा रहा है।
ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਯਾਰ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਟੀ ਖੈਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੁੱਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ